अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं हूँ बावन के अदर शरीफ में और सैयद जाकिर साहब काजी साहब रहमतुल्ला वाले बाबा साहब का ये उर्स मुबारक हो रहा है। मोबाइल में भरी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यहाँ सभी काम के लोग आते हैं। हजरत जाकिर साहब काजी साहब रहमतुल्ला बाबा साहब के दरगाह, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही होगी क्योंकि इधर माइक चल रहा है। ये भी भाई साहब अपने गांव के हैं और यहाँ खास बात है, प्रोग्रेस हो रहा है हर साल और आपको मैं दिखलाने जा रहा हूँ। मीनार बन चुकी है, घर बना हुआ है तो आपको मैं मीनार दिखलाता हूँ। तो आपको मैं बाहर से दिखलाऊंगा जो मीनार बना हुआ है बाबा साहब के दरगाह में। पर जब मैं पहला अपना वीडियो एड किया तो इसी दरगाह से मैंने शुरुआत की थी और इस दरगाह का मैंने 2018 में एक वीडियो बनाया था जो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ऊपर सो रहा होगा। उस समय यह मीनार नहीं बना था, अब यह मीनार बन चुका है। अब 2020 लग चुकी है और बहुत ही खूबसूरत है, लग रहा है यह मंजर। तो जनाब यहाँ लंगर का भी व्यवस्था होता है और लंगर के लिए सब लाइन लगाए हुए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है, हर साल भीड़ बढ़ते जा रही है, यानी भीड़ क्राउड इतना है कि कम नहीं हो रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है। और हम वेटिंग कर रहे हैं लंगर का, लंगर में जाना है और सालाना साल में एक बार होता है ये उर्स। बैरियर वहाँ पर लगा हुआ है और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था कि वो बैरियर टूट गया था। तो जो पुलिस वाले भाई साहब हैं उन्होंने सभी को डांटा, तब जाके वो पब्लिक जो है जो डिनर करने के लिए लंगर खाने के लिए आ रहे थे वो रुक गए और हम लोग आ गए हैं। अब लंगर आने वाली है तो हम लोग खाएंगे। तो अलग तो करीबन 600 लोग बैठे हैं और इतने लोगों को एक साथ मेंटेनेंस करना और करीबन 30-40-50 हज़ार लोग यहाँ आते हैं और सभी मजहब के लोग आते हैं, यहाँ कोई मुस्लिम ही नहीं आता, सभी मजहब के लोग आते हैं और बाबा साहब के दरगाह में आकर दुआ मांगते हैं, उनकी दुआ कबूल होती है, तभी हर साल इतना भीड़ होते जा रहा है। तो मैं लंगर कैसे बनता है उधर, जो चावल कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, उधर भी आपको ले चलूंगा। तो जनाब यहाँ पर खाना बन रहा है, जो लंगर यहाँ चलती है उसका जो खाना है यहाँ पर बन रहा है और सब बहुत सारे डेग हैं आप देख रहे हैं और ये पूरा रात तक चलता है, करीबन 1-2 बजे रात तक, जब तक जितने भी जियारीन खाना ना खा ले इन लोग बनाने का काम करते ही रहते हैं। कितने लोग खाते हैं? सलाम भाई, 50-60 हज़ार लोग करीबन यहाँ। तो दोस्तों ये विलेज का मार्केट है और विलेज यानी यहाँ अभी मेला है, उलूस है, तो ये मार्केट लगा हुआ है। तो यहाँ चूड़ियाँ बिक रही हैं रंग बिरंग, जो इंडियंस के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बच्चों लोग का आइटम भी है इधर। तो
इस वक्त हम आ गए हैं बच्चों के आइटम में। यहाँ बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब वो आते हैं उर्स और मेले। जब हम भी बच्चे थे तो बहुत एक्साइटमेंट रहते थे कि हम कब उर्स आए और कब जाएं, कब मेले में जाएं। तो यहाँ बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी मनोरंजन हो जाता है। और ये विलेज का झूला है, आप जो देख रहे थे लकड़ी से बना हुआ रहता है। और ये मैं तो आज तक नहीं झूला हूँ इस झूले पे, क्योंकि कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है, बट मैं आज तक नहीं झूला हूँ इस झूले पे। और चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं आप? रायपुर। रायपुर से पैदल आ रहे हैं? नहीं नहीं भाई, बाइक से पैदल। चौक के पास से आ रहे हैं। रायपुर रायपुर काशी राम नगर। तो चाचा आ रहे हैं रायपुर से और तिरंगा को लहराते हुए आ रहे हैं। आप चचा जान की मदद कर सकते हैं। चचा जान को है हैंडीकैप और वो अपना मोबाइल नंबर जस्ट देने वाले हैं। यस, नंबर नोट कर लो। 90 पूरा बता दूं? 9098016710। तो जनाब तिरंगे को लिए हुए उर्स में आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। तो जनाब यह वीडियो यहीं तक के है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और कहीं आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो पर।